हमने सोचा अरे महाराज बड़े दिन हुआ काम करते करते कोई नया काम शुरू करें, नया काम शुरू करें तो क्या करें। कहते महाराज ये अपने बगल में है ना प्लाट बिक रहे हैं, प्लाट को खरीद लेंगे। तो मन पंखे के नीचे बैठकर सोचता है व्यक्ति तो क्या करेंगे, अरे प्लाट बनाएंगे आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तुझे हमें दुगना देगा। 9 बजे में बैठ कर सोचता है, मन कहता ले लिया प्लाट, फिर क्या करोगे। कहते महाराज ये प्लाट खरीदने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे। मन कहता वो भी खरीद लिया, फिर क्या करोगे। इंडस्ट्री लगाने के बाद हमारे मजदूर काम करेंगे। मन कहता वो भी लग लिया, फिर क्या होगा। महाराज लोग हमें जानेंगे। मन कहता वो भी हो गया, फिर क्या करोगे। फिर अल्पपतियों के बीच में हमारा नाम आएगा। मन कहता वो भी हो गया, फिर क्या करोगे। कहते महाराज हमने आड़ी में ब्रेकफास्ट, दिल्ली में लंच और बॉम्बे में डिनर लेने के। मन कहता वो भी हो गया। 9 बजे सोच रहा है और महाराज 9:30 बजे हार्ट फेल हो गया। क्या हुआ, 9:30 बजे हार्ट फेल हो गया। फैक्ट्री भी लग गई, बंगला भी लग गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। तुम्हारे सोचने से कोई कुछ होने वाला नहीं। हम अगर सोच गलत रखने से पाप से कभी दूर नहीं रह सकते। अब मैं बता दूं तुम्हें पाप देखने वाला व्यक्ति कौन देख रहा है। धर्मराज के घर में सबने बे लगाए, साढ़े आधे ना धर्मराज का बेआवाना दिल बेआवाना तो जिला बेआवाला उनके कहने एक चित्रगुप्त दुबे बनाते द्वार माल होते हैं ना। त्रकड़ी पड़ी थी धर्मराज ने कौन पकड़ी थी, धर्मराज ने त्रकड़ी पकड़ी थी। तो माता ने त्री देने नहीं पूछना जिले लास्ट दिन आना था तो बड़ा बड़ा दिनों में लगे वेल 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 तेरे बुढ़े पेड़ी का माल हो नहीं गया तो उसे देने किस्ती जा रहे थे मान किस्ती जा बेच और मैं भी आ रहा था उस वेले थोड़े मात्र शक्ति मंदिर। अब धर्मराज की सभा, धर्मराज किसको कहते हैं, जो धर्म का लेखा जोखा करते हैं। अब लेखा जोखा अकेले थोड़ी होता है इतनी सारी पब्लिक का, तो उसने भी बंदे रखे हैं। हेलो जी रजिस्टर आया कहा मृत्यु लोग से प्राणी है, देख उसके खाते में क्या लेना है वो भी देखते हैं। आजकल वो भी कंप्यूटर लेके बैठे होंगे, चलो जी किसका आया जाने। जब आया फलाना फलाना व्यक्ति आया तो क्या हुआ, धर्मराज की सभा में रहते हैं चित्रगुप्त और दूसरे द्वारपाल। चित्रगुप्त किसको कहते हैं, चित्रगुप्त उसको कहते हैं चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब जो शुभ कर दे। अब एक चित्रगुप्त कौन है, हम जहां जाते हैं हमारी परछाई साथ साथ जाती है। क्या जाती है, परछाई साथ जाती है, मतलब चित्र तो हमारा है, जो परछाई आ रही है वो गुप्त होकर आपको देख रहे हैं। तुम किसके अंदर भी जाकर पाप करो तो तुम्हारा पाप को छुपाने वाला नहीं है। इसलिए तुम कोई भी काम करो तो तुम्हारा काम कभी छुपने वाला नहीं। तुम जनता के सामने दिखाओ कि अंदर बढ़ रहा वो चित्र गुप्ते हैं और द्वारपाल बताते हैं कौन जाना है कौन नहीं जाना। इसलिए हम कोई भी शुभ शुभ कार्य करते हैं तो उसके पाप के दोषी कौन है हम ही। इसलिए हमें वो सोचना चाहिए हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ अरे भैया जो ये ऐसे बैठे हैं नहीं ऐसे करके, ऐसे नहीं बैठना। ये आसन होता है भैया दरिद्र आसन। क्या होता है
वृद्धासन होता है, ऐसे कोई भी बैठे, मैं नहीं चाहता कि इस वेद माता गोशाला तीर्थाश्रम में वृद्ध बन के जाए। इसलिए आपको क्या करना, तुम्हारा मन करता लेट के कथा सुनने को लेट, तुम्हारा मन करता बैठ के सुनने को बैठो, मगर ये वाला आसन कहीं नहीं रखना, ये दरिद्र आसन होता है, गल के भी नहीं बैठ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। देवियां बोले हो देखो पीछे देवता नहीं बोल रहे, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। वही भगवान का नाम ले, और समय बहुत कम है, चार बजने वाले हैं, ठीक आधा घंटा रहा है, इसलिए अपने समय की कदर करें। क्या सच्चिदानंद भगवान की जय, गर्जा पग तो घटी राम जी के चलिए, गर्जा पग तो क्या बोले, जिसको समझ आ रहा है वो याद होता है, जिसको समझ आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो नहीं चाहिए याद रखना, क्या और जो समझ आ रहा है गट्टी बैगी मीरा माई,
जोर से बोलता उसके अंदर के सारे पाप निकल जाते हैं, और जो नहीं बोलता उसके साथ साथ निकल जाते हैं, मर्जी गद्दी बैली मीरा माई, गद्दी बैली मीरा माई, जिन्होंने कितनी मेहनत कमाई, जिन्होंने कितनी मेहनत कमाई, मैं किने बोमा में तेरे लिए कमाई, मेरे Oh,
Thank you.